तो इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपसे आपको दे रहा हूँ. द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन. सो द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस इंक्रीजेस बाय 10%. दोनों ही आपको वैरायटी बतानी जरूरी है. 10% एनुअली. ओके फुल स्टॉप. आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 22,000. ओके कॉमा यू हैव टू फाइंड इट्स पॉपुलेशन अ ईयर अगो. ओके फाइंड इट्स पॉपुलेशन एक साल पहले की पॉपुलेशन अ ईयर अगो. ठीक है, एक साल पहले की पॉपुलेशन आपने निकालनी है. ओके देखते हैं हु विल गिव द राइट आंसर. बहुत आसान है, लेकिन एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा आपको पता चलेगा. परसेंटेज इट्स नॉट बाई डायरेक्शनल. परसेंटेज इज ओनली अ यूनी डायरेक्शनल एंटिटी. परसेंटेज को आप हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलाएं. ठीक है, परसेंटेज एक ऐसी गाड़ी है जो रिवर्स नहीं चलती. रिवर्स चलती है, लेकिन जैसे आगे चलती है वैसे पीछे नहीं चलती. ओके इसका क्या मतलब है? आई विल टेल यू. इसका मतलब क्या है? आई विल टेल यू. ठीक है, इसका मतलब ये है. देखो सिंपल से, गाड़ी एक डायरेक्शन में चलाना बड़ा ज़रूरी है परसेंटेज में, नहीं तो टक्कर हो सकती है, चोट लग सकती है. फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ है मेरे पास. 100 रुपीज़ में अगर मैं 10% बढ़ाऊँगा, इफ़ आई डू इंक्रीमेंट ऑफ 10%, सो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 110. इस चीज़ को अच्छे से समझना. 100 में मैंने 10% बढ़ाया तो कितना आया? 110. लेकिन अगर मैं रिवर्स में चलाऊंगा, अगर मैं गाड़ी अब मैं रिवर्स लेना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना इसे. इसको समझने की कोशिश करना. अगर मैं गाड़ी रिवर्स लेता हूँ, अगर मैं बोलूँगा कि अब मुझे 110 को 10%, देखो एरो देखो, 10% कम करना है, तो बच्चों को लगता है सर फिर से 100 आ जाएगा. ये सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं. ओके इट इज़ नॉट बाई डायरेक्शनल. यहाँ पर 100 नहीं आएगा. बच्चे सोचते हैं सर फिर से 100 आ जाएगा, विच इज़ रॉन्ग. 100 विल नॉट गोइंग टू कम. जब आप 100 में 10% बढ़ा रहे हैं, तो आप 100 का 10% लेते हैं. 100 का 10% 10 होता है, और 100 में आप 10 बढ़ाएंगे तो इट विल गोइंग टू गिव यू 110. लेकिन जब आप 110 से आप जब 10% कम कर रहे हैं, तो 110 का 10% होता है 11. और जब आप 11 सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल नॉट गेट 100, यू विल गेट 99. जब आप रिवर्स में आओगे, यू विल गेट समथिंग एल्स, नॉट द सेम थिंग. इसका मतलब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट नोट समझ में आता है. एक इंपॉर्टेंट नोट ये है दैट इंपॉर्टेंट नोट क्या है परसेंटेज का? दैट परसेंटेज इज यूनी डायरेक्शनल. परसेंटेज क्या है? यूनी डायरेक्शनल है. यूनी डायरेक्शनल का मतलब है आप एक ही डायरेक्शन में चले परसेंटेज के साथ. ठीक है, परसेंटेज इज यूनी डायरेक्शनल. ओके अब देखो इस क्वेश्चन को करना कितना आसान हो जाएगा. अब आपको एक साल पहले की क्या निकालनी है? पॉपुलेशन. तो एक साल पहले की पॉपुलेशन का मतलब है आप अभी से उल्टा मत जाना. आप ये सोचो कि 2000 अगर 20 है और आपको 2019 की पॉपुलेशन में जाना है, सो डोंट थिंक. ठीक है, तो मैं आपको आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ दैट ओके नाउ कौस्तुभ पांडे इज ऑल्सो हियर. कौस्तुभ यू आर लेट, यू आर नॉट गेटिंग द नोटिफिकेशन. चलो तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये मत करना कि 2020 की पॉपुलेशन से आप 2019 में जाएं. आप 2019 की ले लें पहले, कुछ एक्स ले लें. तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा लेट पॉपुलेशन ऑफ 2019 ले रहा हूँ मैं. ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ले ली एक्स. तो अब ये वही हो गया प्रेजेंट. अब आप ये सोचो कि प्रेजेंट 2019 है और आपको 2020 की निकालनी है. देयर फोर तो एक्स इंटू हर साल कितनी डिप्रिशिएट कर रही है? 10%. सो एक्स इंटू 90/100. ओके एक्स इंटू 90/100 करेंगे तो तब कितनी पॉपुलेशन आनी चाहिए एक साल के बाद? 22,000. सो दिस इज द फंडा. आप अगर 22,000 में से 10%, आप ये देख रहे हो ना वट वट वी हैव डन. हमें हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलना है. ईयर का मतलब है हम पहले 2019 में जाएंगे, फिर 2020 में आएंगे परसेंटेज में, उल्टा नहीं जाएंगे. और अगर हमें 2025 की निकालनी हो तो 2020 से ही 25 की निकालेंगे. ठीक है, अगर हमें 2025 से फिर हमें 2020 की निकालनी है, तो हम 2020 की एक्स लेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे. सो दिस विल बी आवर फंडा. ओके ठीक है, सो दिस विल गोइंग टू बी, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स
ये समझ में आया ना? ओके, आई होप ये समझ में आया. सो एक्स विल बी 22,000 इंटू 100 अपॉन 90. ओके, समझ में आया नहीं आया? फंडा समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, हाउ द परसेंटेज इज यूनिडायरेक्शनल, इट्स नॉट बाई डायरेक्शनल, दिस यू हैव टू टेक केयर. परसेंटेज में ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, बच्चे बहुत गलती करते हैं. ठीक है, ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर? ठीक है, सो क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आया ना आपको? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड बाई 10% एनुअली. अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, सो वी हैव टेकन वन थिंग रॉन्ग. ठीक है, इट इज़ नाउ इंक्रीजिंग. ठीक है, ये इंक्रीज कर रही है. ओके, इट इज़ नाउ इंक्रीजिंग. हिमांशु फोगट इंक्रीज कर रही है, आई हैव टेकन रॉन्ग दिस. इंक्रीज कर रही है, ठीक है, बढ़ रही है. तो 90 नहीं होगा यहाँ पर, 90 नहीं होगा, कितना होगा? 110 होगा. ओके, तभी मैं कहूँ कि ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा. ठीक है, इंक्रीज कर रही है पॉपुलेशन, इट्स नॉट डिक्रीजिंग राइट नाउ. देखें, ठीक है, सो इंक्रीज कर रही है, 10% का मतलब है 110. सो सिंपल. ओके, ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे. फिल सॉल्व दिस 110. ओके, सो 110 टू टाइम्स एंड द पॉपुलेशन विल बी हाउ मच? 4 जीरोज विल गोइंग टू कम, 20,000. ओके,